हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसके फॉर्म्स। नई नई चुनौतियों को हराने के लिए गोकू को पावरफुल होना पड़ता है और उसके लिए उसे नए नए फॉर्म्स अचीव करने होते हैं। तो गोकू अब तक कई सारे फॉर्म्स अचीव कर चुका है, तो आज की वीडियो में हम उसके सारे फॉर्म्स और उसने ये फॉर्म्स कैसे अचीव किए वो एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमने ऐसे ही पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी और सुपर हीरोज पर कंटेंट बनाए हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है बेस फॉर्म। सेंस एक ऐसी प्रजाति के लोग हैं जो ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, पर वो दूसरे प्लेनेट से हैं। सेंस नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और ड्यूरेबल होते हैं। तो गोकू अपने बेस फॉर्म में एक सुपर ह्यूमन की तरह है। अपने बेस फॉर्म में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और एनर्जी प्रोजेक्शन है, और इसके पास मार्शल आर्ट्स, इंस्टेंट ट्रांसमिशन और कायोकेन जैसी एबिलिटीज हैं। इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और कायोकेन एबिलिटी से वो अपनी पावर को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ये उसका सबसे बेसिक फॉर्म है और अब तो उसका बेस फॉर्म भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी में फ्रीजा को हराने के लिए उसे सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था, पर ड्रैगन बॉल सुपर में वो सिर्फ अपने बेस फॉर्म में ही उसे हरा देता है। जब एक सेन फुल मून को देख लेता है तब वो एक जायंट मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर इस फॉर्म को अचीव करने के लिए सेन के पास एक टेल होनी चाहिए। जब गोकू इस फॉर्म में आ जाता है तब उसकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, पर इस फॉर्म में एक सेन अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इस फॉर्म की भी एक वीकनेस है कि अगर इस फॉर्म की टेल काट दी जाए तो वो सेन फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो इस फॉर्म में गोकू अपने टेक्निक्स और स्किल्स यूज नहीं कर सकता, पर अगर इस फॉर्म को कंट्रोल कर लिया गया तो सेन एक नया फॉर्म भी अचीव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्म गोकू तब अचीव करता है जब एक मूवी में वो लॉर्ड स्लग से फाइट करता है, और इस फॉर्म को हम सुपर सेन फॉर्म का इम्परफेक्ट वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में उसकी आंखें पूरी व्हाइट हो जाती हैं और उसके बाल सुपर सेन की शेप में आने लगते हैं। इस फॉर्म में उसकी बॉडी और मसल भी बड़े हो जाते हैं और ये फॉर्म थोड़ा कायोकेन टेक्निक जैसा भी लगता है। ये मूवमेंट ड्रैगन बॉल जी के सबसे मेमोरेबल मूवमेंट में से एक है। जब फ्रीजा क्रिलेन को मार देता है तब गोकू इस फॉर्म को अचीव करता है और इसमें उसके बाल येलो हो जाते हैं और उसका शेप भी चेंज हो जाता है और उसके मसल्स और उनका शेप भी बड़ा हो जाता है और उसका पावर लेवल उसके बेस फॉर्म से 50 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखें लाइट एक्वा ग्रीन हो जाती हैं। ये एक लेजेंडरी फॉर्म था जो कई सालों से कोई भी सेन अचीव नहीं कर पा रहा था, और इस फॉर्म ने इस शो को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। इस फॉर्म का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, पर इसे सुपर सेन 1.5 कहा जाता है। सेल को हराने के लिए सुपर सेन 1 काफी नहीं था, इसीलिए गोकू एक नया फॉर्म डिस्कवर करता है। इस फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, पर दूसरी तरफ उसकी स्पीड और मूवमेंट 75% से कम हो जाती हैं। सेल की फाइट में ट्रंक्स भी इस फॉर्म को अचीव करता है, पर सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से वो उसे हरा नहीं पा रहा था। तो ये फॉर्म भी सुपर सेन 2 के एक इम्परफेक्ट वर्जन की तरह ही है। तो जैसे सुपर सेन 1 गोकू का लेजेंडरी मूवमेंट था, वैसे ही सुपर सेन 2 गोहान का। इस फॉर्म को सबसे पहले गोहान अचीव करता है, पर गोकू भी बाद में ये फॉर्म अचीव कर लेता है और इस फॉर्म को वो मास्टर भी कर लेता है। इस फॉर्म में उसकी पावर उसके बेस फॉर्म से 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है। इस फॉर्म में गोकू के आसपास एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है और उसके बाल और भी स्पाइकी हो जाते हैं। तो गोकू के इस फॉर्म का डिजाइन बहुत ही यूनिक और कूल है। इस फॉर्म में उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और उसके आईब्रोज गायब हो जाते हैं और उसका पावर लेवल 400 टाइम्स बढ़ जाता है। ये फॉर्म गोकू अदर वर्ल्ड में रहने के दौरान अचीव करता है और इस फॉर्म को उसने बाकी फॉर्म्स की तरह पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था।
इसीलिए वो ज्यादा देर तक इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ये फॉर्म हम फिर से ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखते हैं, जब गोकू बीरस से फाइट करता है, पर गोकू की तरह हम वेजिटा को इस फॉर्म में नहीं देख पाए। सुपर सेन 4 एक नॉन कैनन एवोल्यूशन है, यानी कि पूरी ड्रैगन बॉल जीटी एक अनऑफिशियल सीरीज कर दी गई थी। अब वो ड्रैगन बॉल की मेन स्टोरी का पार्ट नहीं है, पर फिर भी सुपर सेन 4 का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्म में आने के पहले सेन को अपने ग्रेट एप फॉर्म में आना पड़ता है, और उसके बाद उसे ग्रेट एप से इवॉल्व होकर गोल्डन ग्रेट एप बनना पड़ता है। ये फॉर्म ग्रेट एप का एक एवोल्यूशन है, और इस फॉर्म में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर जो सेन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वो इस फॉर्म को अनलॉक कर लेता है, और गोकू भी सुपर सेन 4 बन पाता है। और इस फॉर्म का डिजाइन बाकी सभी एवोल्यूशन से एकदम हटके है। इस फॉर्म में उसकी स्किन एक मंकी की तरह हो जाती है, और उसके बाल ब्लैक ही रहते हैं, और ये फॉर्म सुपर सेन 3 से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था बैटल ऑफ द गॉड्स मूवी में। इस फॉर्म में एक सेन गॉड की का इस्तेमाल करता है। गॉड की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग से हासिल की जा सकती है। ये वही ट्रेनिंग है जो विस गोकू और वेजेटा को देता है। इस फॉर्म को हासिल करने का एक और तरीका है, जब 5 सेन्स अपनी इनर पावर 6 सेन में ट्रांसफर करते हैं तब वो सेन इस फॉर्म में आ सकता है। इस फॉर्म में उसका पावर लेवल सुपर सेन 3 से तो ज्यादा ही है, और ये भी कहा गया है कि इस फॉर्म में उसकी पावर बीरस के 60% जितनी पावर है। इस फॉर्म में उसके बाल नॉर्मल शेप में ही रहते हैं, और उनका कलर भी रेड हो जाता है, और उनके आसपास एक रेड ऑरा आ जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में हम वेजिटा को इस फॉर्म में नहीं देख पाते, पर मांगा यानी कि ड्रैगन बॉल सुपर कॉमिक्स में वो ये फॉर्म भी अचीव करता है। तो ये फॉर्म गोकू वीस के साथ ट्रेन करके अचीव करता है। ये फॉर्म सुपर सेन गॉड का नेक्स्ट फॉर्म है। इस फॉर्म को सेन तब अचीव करता है जब वो गॉड की और अपने सुपर सेन फॉर्म को कंबाइन करता है। इस फॉर्म में गोकू के बालों का कलर ब्लू हो जाता है, और उसकी ऑरा भी ब्लू हो जाती है, और जब वो हिट के साथ फाइट करता है तब अपने इस फॉर्म को कायोकन टेक्निक के साथ कंबाइन करता है, और इसी फॉर्म में वो गोल्डन फ्रीजा को भी मारता है, और वेजिटा भी इस फॉर्म को अचीव कर लेता है। और जमासु की फाइट में हम फिर से वेजिटो को देखते हैं, वो भी इसी फॉर्म में। ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट आर्क में गोकू इस फॉर्म को अचीव करता है। इस फॉर्म में उसके बाल नॉर्मल ब्लैक ही रहते हैं, और उसकी आंखें और उसके आसपास का ऑरा सिल्वर हो जाता है। इस फॉर्म में उसकी पावर सुपर सेन ब्लू से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस फॉर्म के साथ वो जिरेन से फाइट कर पा रहा था, और इसी टूर्नामेंट में पहले वो सुपर सेन ब्लू के साथ कायोकन यूज करता है, और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक यानी कि स्पिरिट बॉम्ब इस्तेमाल करता है, पर फिर भी वो जिरेन के सामने नाकाम था। पर इस फॉर्म में वो जिरेन को टक्कर की फाइट दे रहा था, पर इस फॉर्म को गोकू ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और ये फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक इम्परफेक्ट वर्जन है। गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है। इस फॉर्म में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। ये टेक्निक्स एंजल्स यूज करते हैं, जिनका पावर लेवल गॉड से भी ज्यादा है, और ये भी कहा जाता है कि बीरस के पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरी तरह से सिल्वर हो जाते हैं, और उसका ऑरा भी पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाता है। इस फॉर्म में गोकू की कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो अपने ओपोनेंट के किसी भी अटैक पर बिना सोचे रिएक्ट कर सकता है, और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ जाता है। सो गाइस, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में और भी फॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन हैं, जैसे कि ब्रोली का लेजेंडरी फॉर्म, गुहान का अल्टीमेट या ब्लैक गोकू का रोज फॉर्म, और कई सारे अलग अलग फॉर्म्स। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर भी वीडियोस बनाएं, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपना फेवरेट टॉपिक, और इन सभी फॉर्म्स में से आपका फेवरेट फॉर्म कौन सा है वो भी कमेंट करें, और अपना रीजन भी लिखें कि आपको वो फॉर्म क्यों बेस्ट लगता है। और ऐसे ही ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन और सुपर हीरोज पर वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और दबाएं उस नोटिफिकेशन बेल को। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।